Morning children. Today we will study fill in the blanks question answers, short question answers, MCQ of first chapter, Equality in Indian Democracy. Fill in the blanks you can go through yourself. Short question answers. First list the form of e equality present in our country. Answer. The form of inequality are caste inequality, gender based inequalities, and inequalities, gender and discrimination against differently be abled person. Correct in question that uh, list all the form of inequalities. It is written equalities, but राइट डाउन इनक्वालिटीज़ देयर अब इसमें बता रहा है किस तरह की इनईक्वालिटीज़ प्रेजेंट है पहला है कि कास्ट इनईक्वालिटीज़ दूसरा है जेंडर बेस्ड इनक्वालिटी मेल फीमेल गर्ल बॉय इनक्वालिटी तीसरा है डिस्क्रिमिनेशन एक दूसरे से भेदभाव करना चौथा है एबल पर्सन uh, से भेदभाव करना सेकेंड क्वेश्चन वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर एंड रिलीजन आंसर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज बायस अगेंस द पर्टिकुलर जेंडर वेयर इज द रिलीजन रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन इज बायस अगें रिलीजन अब जेंडर बेस क्या होता है कि जेंडर बेस में आदमी मेल फीमेल बॉय गर्ल के बीच में डिफरेंसेस करता है लेकिन लेकिन रिलीजन में क्या होता है एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से डिफरेंस करते हैं उसको रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं थर्ड क्वेश्चन विच प्रोविजन्स मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सील्ड पीपल फ्रॉम माल ट्रीटमेंट एंड डिस्क्रिमिनेशन आंसर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रमनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड डिसबलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीज़ें दी हुई है कि कोई रिलीजन के बेस पर कोई रेस के बेस पर कोई कास्ट के बेस पे सेक्स के बेस पर डिसबिलिटीज़ मतलब उसकी ए, कुछ एबिलिटीज़ नहीं है कुछ कमी है उसके बेस पे या बर्थ के जिस प्लेस से बर्थ हुआ उस प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं फोर्थ नेम टू प्रोग्राम्स और एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट गवर्नमेंट इन विलेजेस आंसर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एंड नेशनल रूरल हेल्थ मिशन दो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चालू कर रखा है विलेज में वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है और दूसरा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस द की एलिमेंट that make democracy the most popular form of government answer democracy is the most popular form of government in the world world active participation by citizen freedom to express one's opinion resolving conflict through con consensus and consultation and equality and justice are the main features which make a democratic form of government popular. In a democracy, all adult citizens, regardless of their caste, religion, gender, or class, enjoy the right to vote, and this is called universal adult franchise, which means that.

मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ गवर्नमेंट है सिटीजन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं ओपिनियन दे सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से राजी कर हो सकते हैं कंसल्ट कर सकते हैं एक दूसरे से इक्वल जस्टिस इक्वलिटी और जस्टिस सब इसके फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के और डेमोक्रेसी में क्या है एडल्ट सिटीजन को वोट करने के लिए मिलता है उसमें वो भी, भी कोई भी कास्ट का हो कोई भी रिलीजन का हो कि कोई भी जेंडर का हो कोई भी क्लास का हो वो वोटिंग राइट उसके पास होती है इसको एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं और सिटीजन को राइट मिलती है वोट करने के लिए अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए इसलिए डेमोक्रेसी को मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा गया है सेकेंड क्वेश्चन डू यू एग्री दैट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ इज़ यूनिक फीचर दैट इन्शोर इक्वालिटी इमंग सिटीजन इफ़ यस एक्सप्लेन विद विथ हेल्प ऑफ An example answer: In a democratic setup, equality is the most important element. It is, it is the base on which democracy is built. Each citizen should be treated equally, and their dignity should not be upheld based on the same value. The citizen of democratic country have an Equal right to vote regardless of caste, religion, gender, class. This is called universal adult franchise, which means that all adult citizens have the right to cast the vote and choose their representative. It is based on the principle of one person, one vote, and each vote has equal. वैल्यू दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रिकगनाइज द वैल्यू ऑफ़ एवरी सिटीजन एंड इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्वालिटी इन डेमोक्रेसी अब इसमें बोल रहा है पूछ रहा है क्या यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एक, यू, एक यूनिक अलग तरीके का फीचर है सिटीजन को इक्वालिटी देने का अगर हाँ तो इसके बारे में बताओ अब क्या है डेमो डेमोक्रेटिक सेटअप में इक्वालिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये बेस डेमोक्रेसी इस पर ही बेस्ड है कि हर कोई इक्वल है सामान्य है और जो सिटीजन इक्वल ट्रीट किए सब सिटीजन को इक्वल ट्रीट किया जाता है उसकी डिग्निटी मेंटेन रहती है उसको किसी को छोटा किसी को बड़ा नहीं माना जाता वो वैल्यू बेस्ड रहती है डेमोक्रेसी कंट्री में इक्वल राइट right है सबको वोट देने का रिगार्डलेस कास्ट रिलीजन जेंडर क्लास जो भी सिटीजन है वो आराम से वोट दे सकते हैं इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाई कहते हैं इसका मतलब इसके मतलब ये होता है कि हर कोई अपना वोट दे उसका हर वोट ए, एक वोट के बराबर है और हर वोट का एक वोट एक वोट के सामान्य हैं इसको दो एक किसी भी वोट को दो वोट या किसी को चार वोट ऐसे नहीं माना जाए जिस जिसने जिस, जिस पर्सन ने वोट दिया है उसका काउंट एक बार एक ही वोट का होगा इस ये एग्जांपल है किसी एग्जाम्पल uh, है जिससे पता चलता है कि डेमोक्रेसी में सब बराबर हैं कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है थर्ड क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉमन फॉर्म ऑफ इनक्वालिटीज़ इन आवर सोसाइटी आंसर द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनिटीज़ इन आवर सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम इज़ क्लासिफाइड Uh, classification of society based uh, on uh, profession and this division has been uh, there since ages the term dalit meaning meaning broken is used to refer, the, refer to the people belonging to lower caste this system is more Prominent in the rural areas, many un-renowned un, un, renowned personality like uh, B. R. Ambedkar, uh, J. 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 G. Pule experienced discrimination on ground of caste, even in the twenty-first century. In many parts of the country, unprivileged section of society cannot. use the well of upper caste in, enter temple dine with upper caste uh, access public place uh, or and even denied medical attention and education अब इसमें बता रहा है इनक्वालिटीज़ किस तरह की है हमारी सोसाइटी में सबसे पहले इस इनक्वालिटीज़ है कास्ट की जो कि बेस्ट है दलित जो छोटे जात होते हैं उनको दलित कहा जाता है वो उनका उनके साथ ना उठना होता है ना बैठना होता है ना खाना होता है ना पीना हो पी सकते हैं यहाँ तक कि एजुकेशन और मे, अ, मेडिकल ट्रीटमेंट भी अच्छी तरीके से उनको नहीं मिलती है कुछ लोग जो रिनॉल्ड पर्सनालिटी थे बी आर अम्बेडकर और फूले ये इन दोनों को भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है कि इस सेंचुरी में बहुत सारे गांव में अभी भी ये सब लोग मानते हैं और लागू करते हैं लोगों के ऊपर टिक द करेक्ट ऑप्शन यू कैन डू योर सेल्फ थैंक यू होप यू लाइक दिस चैप्टर